राजधानी देहरादून में बीते समय सोशल मीडिया पर शहर के कांजी हाउस में मृत और बीमार पशुओं का वीडियो वायरल होने पर पशुपालन विभाग और नगर निगम लगातार उसके रुख रखाव कर रहे हैं, उसके लिए सख्त कदम उठा रहा है। वहीं इस मामले में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्यासागर कापड़ी ने कहा कि सरकार अब प्रति जानवर के लिए 80 रुपए प्रतिदान उनके भरण पोषण के लिए दे रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कांजी हाउस का जो काम है पहले नगर पालिका ही देखती थी, बीच में सरकार का ये हुआ कि इसे एनजीओ को उसको दे दें, एनजीओ उसके रख रखाव करेगा, तो उसको एनजीओ को दिया गया था। तो बीच में जब शिकायत हुई तो हम लोगों ने उसकी जांच की, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम भी गई थी, तो उन्होंने पाया कि उसका रख रखाव वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो दोबारा से उनका रिकमेंडेशन ये था कि फिर से नगर निगम उसको देखे ताकि जो गाय है उनका रख रखाव ठीक हो सके, उनका भरण पोषण ठीक हो सके, क्योंकि अब सरकार इसमें 80 रुपया प्रति जानवर प्रतिदिन के हिसाब से भरण पोषण का दे रही है, तो इसमें उसका रखरखाव ठीक होना चाहिए। तो इससे हम लोगों ने फिर से नगर पालिका को दे दिया है, और नगर पालिका यदि चाहती है तो उसको दोबारा से किसी और दूसरे संस्था को दे सकते हैं, उस एनजीओ को छोड़कर। उसको तो हमने अभी उस संस्था को देना बंद कर दिया है, उसमें हमने लिख दिया है कि उस संस्था को ना दिया जाए। तो हम किसी संस्था को दूसरे को यदि कोई देना चाहे तो उसमें जो नियम है वो कि 3 साल तक उसको काम का अनुभव होना चाहिए। तो जो ऐसी संस्था कोई आगे आएगी और करना चाहेगी तो उसको हम दे सकते हैं, लेकिन अगर वो संस्था भी ठीक काम नहीं करेगी तो उसको भी हटा के फिर किसी तीसरी संस्था को भी दे सकते हैं। तो अभी हमारा ये है कि हमने वो कांजी हाउस का जो काम है वो नगर निगम उसकी देख रेख कर रहा है।